बंद को पा लिया। और इधर पिता चले गए तो माँ को धुंधकारी ने पूछा कि बता धन कहाँ रखे हैं, क्योंकि सारा धन वो जुए में उड़ा देता था। आज भी जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, अब शब्द किसी को बोलते हैं, वो धुंधकारी ही तो बैठे हैं आपके घर में। अगर कोई ऐसा है परिवार में तो बोलो जय श्री कृष्ण। ये धुंधकारी क्या करता है? माँ को कहता है बताइए कहाँ रखा है धन, वरना अभी तुझे मारता हूं, अभी तेरी पिटाई करता हूं, तेरी खबर लेता। पुत्र के अत्याचार से माँ इतनी दुखी हुई, इतनी कष्ट में हुई कि माँ जाकर के कुएं में कूद कर अपने प्राण को त्याग देती है। और इसके बाद धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को लाकर अपने घर में रख लिया और उन्हीं के उधर पूर्ति के लिए, उनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए चोरी डकैती जो भी बन पड़े, जहां से पैसा मिल जाए करने लगा। कहने का भाव, जीवन में सबके ये 5 वैश्याएं तो है ही, एक आध्यात्मिक अर्थों में समझो तो हम सबके जीवन में ये 5 वैश्याएं तो है ही। और ये 5 वैश्याएं कौन सी हैं? ये हमारी इंद्रियां, आंख को चाहिए कि हमें सुंदर चीजें देखनी है, आंख सुंदरता देखना चाहती है। कान को सुंदर आवाज चाहिए, मधुर आवाज चाहिए, और मधुरता चाहे किसी भी गीत में हो, केवल अच्छी आवाज हो सुन रहे। सुनना है तो भजन सुनो, भगवान का सत्संग सुनो। और जो व्यर्थ के गीत हैं, व्यर्थ के ऐसे गीतों को श्रवण भी नहीं करना चाहिए। तो कान चाहती है, त्वचा चाहता है सुंदर स्पर्श, नासिका सुंदर सुगंधी चाहती है। और ये मानो इसी पंच इंद्रियों को भरता चला जाता है, इसके महत्वाकांक्षा को आज पूर्ति करता चला जाता है, इसकी महत्वाकांक्षाएं अपनी पूरी करता चला जाता है। बस 5 वैश्याएं तृप्त रहनी चाहिए। और ये धुंधकारी भी वही कार्य करता है। और बस एक दिन क्या हुआ, राज खजाने में जाकर उसने चोरी की, और चोरी करने का परिणाम ये हुआ, खूब धन लेकर आया, वैश्याओं को बड़ा, वैश्याएं खुश हुई, प्रसन्न हुई, इससे तो बहुत दिन जी लेंगे। लेकिन अगर कहीं पता लगाए सिपाहियों के द्वारा राजा साहब, तो इसके चक्कर में हम भी मारी जाएंगी, तो इस दुष्ट को क्यों ना हम ही लोग मिलकर मार दें। और पांचों ने मंत्रणा करी और रात्रि में उठकर के धुंधकारी को मार डालने का प्रयत्न किया, उसके गले में रस्सी बांध कर मारी। लेकिन जिसकी जिसके पाप बहुत ज्यादा होते हैं, उसके प्राण भी जल्दी नहीं निकलते, अच्छों को भगवान भी जल्दी पूछता है, और प्राण ही नहीं निकलते। क्या किया, जलती लकड़ी को ला करके धुंधकारी के मुख में डाल दिया, और आखिरकार तड़प तड़प कर धुंधकारी के प्राणांत हो गए और धुंधकारी मर गया। बोलो जय श्री कृष्ण। धुंधकारी मर गया, और मरने के बाद घनघोर भूत, भयंकर भूत बना। और एक दिन, वैसे तो गोकर्ण जी को अपने अध्ययन और प्रभु की भक्ति में ही उनका मन लगा रहता था, काशी गए थे पढ़ने के लिए, और जब एक दिन चुपके से समाज से छिपते हुए, क्योंकि लोग भीड़ लगा लेंगे, लोग मिलने वाले बहुत ज्यादा आएंगे, इसलिए सबसे छुपते वापस अपने घर आए। रात्रि में सोए हैं, अचानक धुंधकारी तरह तरह के रूप में गोकर्ण जी के सामने प्रकट होता है, कभी अग्नि, कभी इंद्र, कभी अश्व, कभी। आज गोकर्ण जी ने कहा, तू कौन है? राक्षस है, भगवान है, देवता है, क्या है? लेकिन जब पाप अधिक थे इसलिए बोल भी नहीं सकता था, और आखिरकार जल लिया हाथ में, मंत्र भी मंत्रित करके जैसे ही जल की छींटे फेंकी, और अब उसकी आवाज निकलने लगी, पाप थोड़ा कम हुआ,
तो उसकी आवाज निकलने लगी। वो कहता है अहम भ्रातात्मदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मणत्वं नाशितं मया। अहम भ्रातात्मदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मेरे भाई गोकर्ण मुझे इस योनि से निकालो, मैं प्रीत योनि में पड़ा। धुंधकारी की बात सुनकर गोकर्ण जी ने कहा अरे हमें पता चली है आपकी बात, हम तो जानते और हम गया जी में श्राद्ध करके भी आ रहे। तो आज वो धुंधकारी जो भूत के योनि में है वो कह रहा है गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे भविष्यति। ऐसे करोड़ों गया कर लो, ऐसे करोड़ों श्राद्ध कर लो, लेकिन इससे भी हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। गया से भी मुक्ति नहीं मिलने वाली, अब क्या करें? आप समझो क्या करना है। मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं जल भी ग्रहण नहीं कर सकता, मेरा जो मुख है ना वो सुई से भी पतला हो चुका है, मैं जल भी नहीं पी सकता। मेरे भाई मेरा उद्धार कर, मुझे इस योनि से निकालो। और बस आखिरकार गया से भी मुक्ति नहीं होती तो कैसे हो सकती है? बहुत प्रयास, बहुत पूछा नहीं, आखिरकार सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। पर बस सूर्य के ऐसे वचनों को सुन करके सुंदर दिव्य भागवती कथा का आयोजन कराया है। ऐसे ही स्वयं प्रधान वक्ता के रूप में आज गोकर्ण जी हो गए, पूरे गांव वाले कथा सुनने आए, कथावाचक गोकर्ण जी और उनके गांव वाले श्रोता। और पहले दिन की कथा चली, गोकर्ण जी ने भगवान के दूतों से पूछा अरे महाराज हमने कौन सी गलती करी थी कि हमें छोड़कर अकेले यही जा रहा है, सारे गांव वाले बैठे हैं और अकेले वो चला जाए, हम क्यों नहीं जा पा रहे? दूतों ने कहा आप भी जा सकते थे लेकिन इसने 7 दिन तक मन लगा करके श्रद्धा भक्ति के साथ कथा श्रवण करी है और इसलिए ये भगवान के लोग, अगर मन लगाकर कथा श्रवण की जाए तो विमान जरूर लेने आए। अब विमान क्यों अब नहीं आते? क्योंकि अगर विमान आ जाए तो कितने लोग चलेंगे विमान में? हाथ उठा लीजिए, कोई जाना नहीं चाहते क्या? तब तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। अब इच्छा होती तब तो बताते भी आता, अब इच्छा ही नहीं है, नहीं जाना है, कोई बात ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। विमान आए भी तो जाने को तैयार नहीं। और संत कहते हैं एक विमान तो आता है, चिंता मत करो वो विमान ना भी आए, और अगर नहीं जाना चाहते तो क्यों इतना भगवान भी परिश्रम करें। लेकिन एक विमान आता है, संत कहते हैं वो विमान कौन सा है? 7 दिन भागवत सुनने के बाद विगत मान यक्ष सह विमान, हमारे जीवन का अभिमान चला जाए, यही तो विमान आना हुआ, हमारे जीवन का अभिमान दूर हो जाए, यही तो विमान आना। और ऐसा विमान आज धुंधकारी गया है। दूसरी बार बड़े श्रद्धा भक्ति से गोकर्ण जी ने कथा कराई और गोकर्ण जी ने जो कथा कराई, कथा कराने के पश्चात पूरे गांव वाले बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा को श्रवण करते हैं। और कथा को सुनने का सुपरिणाम मन से सुनोगे तो क्या होता है? अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेर संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकं योगी दुर्लभम। आज अनेक विमान आए, जैसे राम जी जाने थे वाले थे सारे अयोध्या वालों के लिए, सब चल पड़े भगवान के लोग। आज अनेक विमान आए हैं और सब विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जाते हैं। ऐसा फल देने वाला ये श्रीमद् भागवत महापुराण है।
इस कथा को सुन करके स्वयं भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां उपस्थित हुई। स्वतः दोनों पुत्र भी तरुण हो गए, समस्त मन की अभिलाषाएं पूर्ण करने कर देने की सामर्थ्य ये श्रीमद् भागवत जी की कथा में है। और आगे प्रारंभ होती है प्रथम स्कंद की कथा, बड़े ध्यान से सुनना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यं परम् धीमहि। एक बड़ी सुंदर बात बताते हुए कथा को आगे ले चलेंगे। कहते हैं वो भगवान अद्भुत है, अद्भुत लीलाएं करते हैं। आखिरकार शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, भगवान हमें जरा ये बताओ, आपके दर्शन हो गए, हम ये भी पूछना चाहते हैं, जैसे आपने इतनी दिव्य भागवत जी के महात्मा को हमें सुनाया, हम आपसे आगे ये भी प्रश्न करना चाहते हैं कि भगवान को संसार में आने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो सर्व समर्थ है, बैठा बैठा बैकुंठ में ही सबको मार सकता है, कंस इत्यादि को मार सकता है, लेकिन इस संसार में आने का क्या मतलब है? भगवान के कितने अवतार हुए हैं और भगवान यहाँ आकर कौन कौन सी लीलाएं की है, ये सारे चरित्र आप हमें सुनाएं। हम भगवान के भक्त हैं और भगवान की कथा जब भगवान के भक्त करते हैं, संत करते हैं, तो अगर कोई जिज्ञासु भक्त बैठा रहता है तो ऐसे ही वो निरंतर नए प्रश्न का उद्घाटन करके, नए प्रश्न बना करके कथा को और विस्तार दे देता है। और आखिरकार कृष्ण भक्ति जिसे प्राप्त हो ऐसी कथा बता दो। और आगे कहते हैं सूत जी, संसार में जीवों के लिए श्रेष्ठ साधन और जीवों के लिए सुनने योग्य सुंदर शास्त्र और शास्त्रों का सार यही है, सुनने योग्य स्व अल्प फल देने वाला, अन्य ग्रंथ तो बहुत है लेकिन स्व अल्प फल देने वाले, लेकिन बहुत फल चाहिए, सब मनोकामना पूर्ण हो आपकी तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। समस्त शास्त्र होता है ताकि धर्म का कार्य कर सके, और अगर धर्म का कार्य करा कर
तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। नारद जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप प्रधान रूप से गोविंद के गुणानुवाद को करें, प्रधान रूप से गोविंद की कथा का गायन करें, क्योंकि आपने लिखा तो बहुत है लेकिन प्रधान रूप से आपने भगवान की सुंदर दिव्य कथाओं की चर्चा नहीं करी है। और बस प्रेरणा देने वाले नारद हैं। नारद जी प्रेरणा देकर के चले जाते हैं, लेकिन प्रेरणा देने के समय नारद जी ने एक सबसे दिव्य बात बताई जो आपके भी जीवन में बड़ी काम करे। नारद जी ने कहा, जो मैं प्रेरणा दे रहा हूं ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा कि भगवान के संत के चरण में मन लगे तो उद्धार होगा, ये मेरे जीवन का अनुभव है। क्योंकि पुराणों में शास्त्रों में तो दुनिया के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, लेकिन सदगुरु अगर जीवन के अनुभव से बात करता है तो जीवन के अनुभव से अनुभव को बताने वाला सदगुरु वो अमूल्य मंत्र व्यक्ति के जीवन में बड़ी काम करती है। वो व्यक्ति के जीवन में बहुत काम करती है। एक बार प्रेम से बोलो भागवत भगवान जय। तो नारद जी ने क्या कहा, थोड़ी सी आप थोड़ा सा आपका ध्यान उस ओर लाऊंगी कि सदगुरु अपने जीवन के अनुभव से बात करता है, केवल सुनकर के बता देना ये सहज है, ये तो काम उतना जीवन में नहीं करेगा, लेकिन अगर मैंने जाना है, मैंने उसको पाया है और तू भी वो कार्य कर तुझे भी मिलेगा। तो नारद जी ने कहा, मैं आज जिसे तुम बीड़ा बजाकर करताल बजाकर नारायण जपते देख रहे हो, ये नारद ऐसा नहीं था, ये तो भगवान की कृपा हुई है। मेरे जीवन का अनुभव सुनो। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था और दासी का बेटा से लेकर नारद बनने की कथा नारद जी ने आज बताई है। मैं दासी का बेटा था पर मेरी हालत तो ऐसी थी, मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, तो मेरी माँ बेचारी क्या करती है, मेरी माँ बेचारी अपने जीव को पार्जन के लिए क्या उपाय करती, समाज इतना विचित्र है। आखिरकार मेरी माँ ने संतों की शरणागति ली और संत वो जितने थे वो गृहस्थ संत थे। गृहस्थ संतों के समीप जाकर के मेरी माँ ने कहा, मुझे कुछ काम दें, और वो सब के सब संत अपने पत्नियों के पास मेरी माँ को कार्य करने के लिए भेज दिए। मेरी माँ को गौ सेवा के लिए नियुक्त कर दिया गया, मेरी माँ गाय की सेवा करती थी और मैं भी अपने माँ के काम में हाथ बटाता था। नारद जी कहते हैं, मैं और बच्चों की तरह केवल कूदता था, चिल्लाता नहीं था, मैं बड़े शांत भाव से माँ के कार्य में हाथ बटाता था और कार्य में हाथ बटाने के पश्चात मैं बड़े भाव से भगवान का ध्यान करता था। एक बार उन संतों के यहां भी कुछ गृहस्थ संत के यहां भी कुछ बैरागी संत आए, ब्रह्मचारी आए, और ब्रह्मचारी चातुर्मास करने के लिए आए। नारद जी ने कहा, संत की सेवा की जिम्मेवारी मुझे दे दी गई, मैं तो खुश हो गया, आहा संत की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, संत की सेवा करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटना। नारद ने कहा, मैं संत की खूब सेवा करने लगा और मैं उच्छिष्ट प्रसादी ग्रहण करता था, संतों के द्वारा दी हुई उच्छिष्ट प्रसादी को ग्रहण करता था। और नारद कहते हैं, उस प्रसाद को खाते मेरी मति इतनी सुंदर हो गई, मेरा मन इतना शांत हो गया कि मेरे मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम इतना भाव भर गया कि मैं बड़ा ही आनंदित होने लगा। और एक दिन वो दिन आया, ध्यान से सुनना, जब संत जाने लगे, मैंने संतों को पकड़ लिया और पकड़ करके
पैर संतों का, और मैंने आवाज लगाई गुरुदेव आज मत जाइए, क्योंकि अगर जाना है तो उस दास को भी लेके जाइए। संतों को क्या, संतों ने कहा चलो। नारद ने कहा मैं तो चलने को हुआ, लेकिन मेरी माँ, क्योंकि उसके बुढ़ापे का सहारा जो था मैं, मेरी माँ रो पड़ी। और मेरी माँ रो करके कहती है संत भगवान मेरे बेटे को मत ले जाइए, क्योंकि अगर ये गया तो मैं मर जाऊंगी। और नारद चिल्ला रहे हैं अगर मैं नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा। माँ कह रही है ले गए तो मैं मर जाऊंगी, बेटा कह रहा है नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगा। संत बड़े परेशान हुए और आखिरकार संतों ने लिख करके एक मंत्र को दिया है, इस मंत्र का जाप करो, क्योंकि नारद ने कहा है हमें वो मंत्र चाहिए। और वो मंत्र कौन सा है, उस मंत्र को बड़े ध्यान से हम और आप श्रवण करते हैं। तो आज नारद को ऐसी माला दे दी, ऐसा सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सुंदर मंत्र दे दिया कि आज नारद जी ने कहा उस मंत्र को मैं जपता रहा। और एक बार मंत्र को जपते जपते, देखो मंत्र जपो तो गलत विचार करके मंत्र मत जपना। अब नारद ने कहा मैं मंत्र, मन महाराज का कौन सा भरोसा, मैं मंत्र जपते ही जपते मेरे मन में भाव आ गया कि हे भगवान मैं माँ के कारण भगवान को नहीं पा सका, संतों के साथ नहीं जा सकता। अब ये ना ही रहती तो अच्छा था, ये ना ही होती तो अच्छा था। नारद ने कहा इधर मैं मन में विचार किया ही था, माला जपी रहा था कि उसी समय मेरी माँ गौदोहन काल में गौ के समीप जा रही थी, आकस्मिक एक सर्प माँ के चरणों के नीचे, पैरों के नीचे पड़ जाने के कारण उसने मेरी माँ को डस लिया। और मेरी माँ को डसने के कारण मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद ने कहा माँ के चले जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया, मैं बिल्कुल अकेला हो गया, और बस मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जाता रहा। और उत्तर दिशा की ओर आखिर एक पीपल के वृक्ष के नीचे मैं बैठा, जल को पी करके थोड़ा ध्यान में बैठा तो साक्षात गोविंद की सुंदर झांकी मेरे ध्यान में प्रस्तुत हुई, प्रकट हुई। लेकिन देखते ही आकस्मिक अचानक वो भगवान की दिव्य झांकी अंतर ध्यान हो गई। नारद ने कहा मैं आंख खोलकर पागल जैसा इधर से उधर दौड़ने लगा, उस झांकी को बार बार देखने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वो झांकी ने फिर मुझे दर्शन नहीं दिया। और आकाशवाणी हुई तुम इस जन्म में हमें नहीं पा सकोगे, जब तुम्हारा अगला जन्म होगा भगवान के तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर के प्रकट हो गए, तुम्हारे भक्ति और भाव से भगवान इतने प्रसन्न हुए, नारद के भक्ति और भाव से प्रसन्न हुए। और आकस्मिक नारद जी का काल, कहते हैं नारद जी के सामने आया, और नारद के सामने काल आया तत्क्षण उनका ये पंच भौतिक शरीर छूटा, और छूट करके वो ब्रह्मा जी के श्वास के साथ ब्रह्मा जी में ही प्रविष्ट कर गए। तो एक दासी का बेटा से लेकर के सुंदर नारद बनने तक का चरित्र नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, यानी भगवान का भजन करने वाले को ये मेरा अनुभव है। नारद ने कहा तो तुम भी अगर भगवान का प्रधान रूप से गायन करोगे तुम्हें भी बड़ी शांति मिलेगी, तुम्हें भी बहुत आनंद मिलेगा। संत ऐसे ही तो कहता है। छोटी सी चर्चा, जिस समय विभीषण के पास मेरे हनुमान जी गए थे, और विभीषण ने हनुमान जी से भी कहा था पता नहीं राम जी अपनाएंगे कि नहीं, मुझे बिल्कुल शांति नहीं है बिना भगवान से मिले। तो उस समय हनुमान जी ने भी यही बात कही,
क्योंकि मैं तुम्हारे सारे शास्त्रों का समाधान, शास्त्रों से समाधान तुम्हारे सारे प्रश्नों का कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें कोई इतिहास पुराण नहीं बल्कि जीवन के अनुभव की बात बताता हूँ जिससे तुम्हारा मन भगवान में लगे। तो उन्होंने कहा था कि कहूँ कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधि हीना। तो मेरी तो हालत ऐसी थी कि प्रात ले प्रात ले जो नाम हमारा